औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आए हैं जनाब गिलगित, रात हम रुके हुए थे गिलगित में संगी खान सराय के ऊपर, और अभी हम इस वक्त निकलने हैं नाश्ता करने के लिए। ये बिल्कुल जो गिलगित का स्टार्ट है बाबे गिलगित के साथ ही, ये वो वाला एरिया है। अभी बाबे गिलगित को हमने क्रॉस किया है और इसके साथ ही ये राइट साइड के ऊपर अभी थोड़ी देर में लारी अड्डा आ जाएगा। तो एक तरह से जो गिलगित का इस साइड से स्टार्ट है वो ये लारी अड्डा वाली साइड है, और दूसरी साइड से अगर आप जाएं तो एनएलआई मार्केट से आप उधर को जाते हैं तो वहां पे जाके आपका गिलगित एंड हो जाता है दनियोर वाली साइड पे, फिर उधर शंदूर वाले रोड के ऊपर भी। तो ये आ गया है जी राइट साइड के ऊपर लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड गिलगित। यहाँ से आपको नेट को भी मिलेगी, यहाँ से आपको फैसल मूवर्स भी मिलेगी, यहाँ से आपको मशाबरूम भी मिलेगी, यहाँ से आपको जियो पाकिस्तान भी मिलेगी, जितनी मेन कंपनीज हैं वो देखे। मशाबरूम है, न्यू मशाबरूम खड़ी हुई है, नेटको खड़ा हुआ है। तो नेटको का जो मेन टर्मिनल है वो ये है बेसिकली, क्वेटा शानदार कैफे। यहाँ से तो मेरे ख्याल में नाश्ते का कोई चांस नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ। ये अर्बन तड़का है जी, ये भी नहीं। तो ये सारा लारी अड्डे का एरिया है, दिन रात यहाँ से ट्रांसपोर्ट आगे चले जी, यहाँ से नहीं खाना जी कल। नहीं जी वो पराठे तो क्वेटा होटल तो आगे शहर में भी मिल जाएगा, क्वेटा होटल तो जहाँ कहीं उसका उसका पराठा हर जगह आगे चले जी। वो कहते हैं मिल जाएंगे जी, क्वेटा होटल शहर में भी होगा, कोई जरूरी है आगे आप चलते जाएं। लारी अड्डे तो दूर है। हाँ जी, लारी अड्डे के पास पास आपको पता है मुसाफरों ने आना होता तो होटल शोटल बने होते हैं, लेकिन लारी अड्डे के जो होटल्स हैं उनका मसला ये है कि इधर सफाई सुथराई वाला जो मामला है ना वो नालों की होता है। तो कोशिश करें कि आप लारी अड्डे से आगे पीछे किसी जगह जो है वो नाश्ते का को बंदोबस्त करें, हॉस्पिटल और लारी अड्डा। बाकी ये आगे एक नया होटल आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल अभी फ्रेश बना है। इस साइड के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ये वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये चीफ कोर्ट इसको बोलते हैं, ये चीफ कोर्ट की बिल्डिंग है ये सारी की सारी। और ये इस साइड के ऊपर एचबीएल की बिल्डिंग है, एचबीएल का हेड ऑफिस है माइक्रो फाइनेंस बैंक एचबीएल, राइट। ये सारी देखे, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ चीफ कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है जी। आगे ये फिर जलाल्स आ गया, होम फर्नीशर कारपेट्स, ये इधर भी कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही है, ये वाली भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ग्रैंड गिलगित होटल इस साइड में, इसकी ब्रैकेट होनी चाहिए कोई 3,000 से 5,000 के दरमियान, होटल की शक्ल से नजर आ रहा है। ये गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली अभी रिसेंट बनी, ये लेफ्ट साइड पे आई साहब गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नजर आ रही थी। हाँ जी, पहले ये बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे, और अभी वो सामने उन्होंने लिख के लगाया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। और ये इंतहाई पुरशिको जो इमारत है, खूबसूरत इमारत, खूबसूरत बिल्डिंग, बिल्कुल एंट्री के साथ ही फौजी फाउंडेशन स्कूल जो है वो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। और आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो सरीना जो गिलगित है उसकी तरफ रास्ता ऊपर को चढ़ जाएगा। ये क्वेटा सुपर शानदार होटल है, आगे चलो जी, आगे चले जी, क्वेटा आगे भी आ गया, क्वेटा पूरे शहर में होगा। तो चौधरी लॉज आ गया जी, ये फिर पीएसओ का पंप है। हाँ, अगर रिफ्यूलिंग आपने करवानी है तो आपके गिलगित सिटी के बाहर से करवानी पड़ेगी। अगर आप शंदूर रोड पे निकल रहे हैं तो वहां पे एक होटल का पंप बड़ा अच्छा है, और अगर आप चिल्लास से आ रहे हैं तो शहर में एंट्री से थोड़ा ही पहले, बाबे गिलगित से पहले आपको 5-7 जो पेट्रोल पंप्स हैं वो मिल जाएंगे। अटक है, शेल है, टोटल है, और पीएसओ है। हमने तो पीएसओ से डलवाया और इंशाल्लाह पीएसओ से ही डलवाएंगे अपने मुल्क का, अपने वतन का पंप है जी। इस साइड पे आगे अभी रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग आएगी जी, गिलगित मिडवे होटल। ये गिलगित मिडवे होटल आ गया, और रूम की कंडीशंस के हिसाब से 3,000 रुपया। ये अल्पाइन होटल आ गया, 1,500 रुपया रूम चार्जेस, बैंक ऑफ पंजाब अपना, जाहिर है जी आप चेक कर ले जाके, तजर्बे का कोई मूल्य है आई साहब। ये देखिए सैनिटरी वाली दुकानें हैं, अब पता नहीं सैब्रो सैनिटरी जो है वो किस वक्त इधर पहुंचेगा। पंजाब गिलगित होटल, हजारा पंजाब रेस्टोरेंट, ठीक है जी। रॉयल पैलेस 2,000 रुपया, बिल्कुल 2,000 से ऊपर है ही नहीं। फांडा पाकिस्तान, ये यहाँ से इससे आप लेफ्ट जाएंगे ना जी आई साहब, तो ऊपर आप गिलगित सरीना जो है वो आ जाएगा, बिल्कुल आगे जाके आगे से आपको लेफ्ट होना पड़ेगा और फिर आप गिलगित सरीना चले जाएंगे। बैंकल हबीब गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन जुटियाल,
और ये आ गया जी पुलिस स्टेशन जुटियाल, इस मोहल्ले का नाम है जुटियाल। और आगे अभी रेडियो पाकिस्तान चौक आएगा। हाँ जी अनारकली जी, फिनका माइक्रो फाइनेंस। एक टाइम में मेरा फिनका में भी अकाउंट हुआ करता था, फिर मैंने क्लोज कर दिया। कराक्रम कोऑपरेटिव। अच्छा जी, वन स्टॉप कैश एंड कैरी। और ये फतेह सुपर स्टोर। आगे कौन सी चीज देखना है जी? काका फूड्स, नेशनल बेकर्स एंड स्वीट्स, सुनहरी बैंक जी, मैक्स है जी। ये थे यहाँ पे ये एनएलसी वालों का है, इधर इस साइड पे उनका अड्डा। ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल गैस, दी केमिस्ट हार्डवेयर। भाई जान यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते है तो हार्डवेयर होना ही होना है, क्यों नहीं होना? कैपिटल से बड़ा है। अच्छा जी, और कौन सी चीज है जी यहाँ पे देखने वाली? शिफा लैब, मेहताब जान, हाई रेज, फैमिली हॉस्पिटल।